जो अभी हमें वॉच कर रहे हो IMAX कैरियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे वॉच कर रहे हो और इस पे जितने भी सारे रिक्वायरमेंट अपडेट्स शेयर किए जाते हैं वो कोलकाता लोकेशन के लिए होता है। दरअसल अभी जो हम आपके साथ में रिक्वायरमेंट का अपडेट शेयर करने वाले हैं, ये कंपनी बहुत सारी आपको फैसिलिटी देती है, जैसे कि एक टाइम का खाना आपको फ्री में दे रही है, रहने के लिए रूम आपको कंपनी के तरफ से फ्री में है, वीकली पेमेंट फैसिलिटी है, मतलब साप्ताहिक पेमेंट आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एज़ कंपेयरिंग टू अनदर कंपनी, ये कंपनी आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ देती है राइट नाउ। बेस्ट फैसिलिटीज़ में देती है आपको एक टाइम का खाना फ्री देती है, कंपनी के तरफ से रूम मिल जाता है फ्री में, और वीकली पे आउट फैसिलिटीज़ रहती है। देखिए, जब आप इस चैनल पे वीडियो वॉच करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज़ हम आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ों को आप नहीं समझोगे तो विल आपकी प्रॉब्लम्स है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का जॉब है, और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में जो काम होते हैं वो एज़ कंपेयरिंग टू अनदर कंपनी थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि फैक्ट्री फैक्ट्री हुआ और कंपनी कंपनी हुआ, बात को समझिए। यहाँ पे फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर काम करते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अनक्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास में स्किल्स नहीं होता, जिनके पास में कम्युनिकेशन नहीं होता, जो सिर्फ और सिर्फ आके काम करके पैसे कमाएंगे हेल्पर लेबर कैटेगरीज में। तो यहाँ पे वर्क प्रोफाइल जो रहेगा वही रहेगा, हेल्पर्स का रहेगा, लेबर्स का प्रोफाइल रहेगा, लेकिन ये परमानेंट जॉब है तो इसके बारे में ज़्यादा कोई कंक्लूजन नहीं होगा। परमानेंट जॉब रहेगा विल प्रॉब्लम नहीं होगा। वीकली पेमेंट है फैसिलिटी है, यानी कि साप्ताहिक आपका पेमेंट होने वाला है, वीकली पेमेंट मिलेगा, सप्ताह का सप्ताह आपको पेमेंट मिलेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो परमानेंट जॉब है, वीकली पेमेंट साप्ताहिक पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। राइट नाउ कार्टून फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट है, तो कार्टून फैक्ट्री में आपका काम होने वाला है, कार्टून फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में आपका काम रहेगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यूटी के बारे में, तो ड्यूटी यहाँ पे 12 आवर्स की शिफ्टिंग है, यानी कि 12 घंटे का इसमें काम रहेगा, और महीने में यहाँ पे 30 दिन काम करना पड़ेगा। साफ साफ ये चीज़ें दर्शाया गया है और मेंशन किया गया है कि यहाँ पे नो वर्क नो पे का सिस्टम रहेगा। दरअसल थंबनेल देख करके आप बहुत कुछ इंस्पेक्शन करते हो, बिकॉज वीडियो में एक छोटा से छोटा रद्दी भर का इन्फॉर्मेशन हमारा गलत नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे शेयर करते हैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए बोलता हूँ बार बार वीडियो पूरा देखो ताकि जानकारी आपको पूरा मिले, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये वीकली पेमेंट है, साप्ताहिक पेमेंट है, ड्यूटी 12 घंटे की है, और नो वर्क नो पे का सिस्टम है। जेंडर में सिर्फ मेल कैंडिडेट की हायरिंग है, इसमें फीमेल नहीं चलेंगी, तो सिर्फ और सिर्फ जेंडर में मेल कैंडिडेट चलेगा, क्योंकि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर मेल कैंडिडेट को ही प्रायोरिटी दी जाती है। राइट नाउ एज का जो बाउंडेशन दिया गया है 18 से 40 साल के बीच में है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। तो 18 से 40 साल के बीच में आपका एज का लिमिटेशन होना चाहिए। सो एक टाइम का खाना फ्री में कंपनी की तरफ से मिलेगा। जॉब प्रोफाइल मैंने पहले ही बता दिया कि हेल्पर का प्रोफाइल होने वाला है। यहाँ पर सभी प्रकार का काम रहेगा, ऑल टाइप्स वर्क रहेंगे, कोई भी हार्ड वर्किंग काम यहाँ पे नहीं होने वाला। कंपनी प्रोवाइड है, रूम अवेलेबल है, यानी कि कंपनी के तरफ से रूम आपको मिलेगा। लोकेशन इसका हावड़ा जंगलपुर में रहेगा, तो जितने भी सारे लोग हावड़ा लोकेशन में काम करना चाहते हैं मेक श्योर कर सकते हैं। प्रिया मैडम का नंबर स्क्रीन पे दिया है और डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ पे कवर करना चाहते हैं, ये जॉब पेड है, इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज और फीस एप्लीकेबल है। देखिए, ये एक प्लेसमेंट सर्विस है, IMAX सिक्योरिटी एंड अलायंस सर्विस है, जो है ये प्लेसमेंट एजेंसी है। प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, आपको आपको जॉब लगाती है, उसके बदले में कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। अब देखो, आप कंपनी में जाओगे, कंपनी में कहोगे कि यहाँ तो फ्री जॉब मिलता है, फिर आपने क्यों पैसा ले लिया? भाई वो ऑफिस खोल के बैठा है, 3-4 टेलीकॉलर उसका काम कर रहा है, टेलीकॉलर काम कर रहा है, साथ ही साथ ऑफिस का रेंट है, बिजली बिल है, पानी है, जो भी है फैसिलिटी है वगैरह वगैरह, आखिर वो फ्री सर्विस क्यों देगा? प्लेसमेंट एजेंसी बहुत सारे हैं, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी में अगर जेन्युइन आपको कुछ पैसे लेकर के काम दिए जाते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ गलत बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने बोल दिया लेबर का काम है, हेल्पर का काम है, वहाँ पे जाने के बाद एक्सक्यूज़ करोगे कि हाँ ये काम मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, आप मेरा पैसा रिफंड कर दो, तो वो पैसा रिफंड नहीं होता, वो आपको दूसरे कंपनी में जॉब चेंज करा के दे सकते हैं, लेकिन पैसा रिफंड की बात यहाँ पे नहीं होती। मैं पहले ही साफ साफ इस चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग वहाँ पे जाने के बाद में अपने तरफ से 50% जो लोग होते हैं वो उनका माइंड सेटअप घर से होता है कि काम करेंगे,
50% का माइंड सेटअप होता है कि हम कंपनी पहले देखेंगे। कंपनी देखने के बावजूद उनका मन उतावला होता है कि इस कंपनी से बेस्ट उस कंपनी है, उस कंपनी से बेस्ट उस कंपनी है। इसी तरह से उनका माइंड सेटअप फोकस नहीं हो पाता। हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आप लोग विजिट कर रहे हो प्लेसमेंट एजेंसी में, जो भी इनका रजिस्ट्रेशन चार्ज है लेके आओ और जाके कंपनी ज्वाइन करो। अगर हेल्पर लेबर का काम कर सकते हो तो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए बहुत टफ होता है हेल्पर लेबर का काम करना। मिलते हैं कोई नई रिक्रूटमेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।